अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। आदमी स्वतंत्र है बंधु, आदमी स्वतंत्र है और स्वतंत्रता उसकी महिमा है। और जैसे आदमी स्वतंत्र है, स्वतंत्रता उसकी महिमा है, यही स्वतंत्रता जीवन का विषाद भी है बंधु। स्वतंत्रता महिमा भी है और स्वतंत्रता विषाद भी है। सूत्र से बंधे होने के बावजूद कुछ लोग स्वतंत्र होते हैं, कुछ परतंत्र होते हैं। हम आप अपने पुण्य के उदय से दुनिया का किसी भी कौम का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अपने पुण्य के उदय से आप लोगों ने बहुत कुछ इकट्ठा किया है, बहुत कुछ संजोया है, संवारा है, बड़ा किया है, पुरुषार्थ किया है, और उस पुरुषार्थ का आपको आपके ऊपर गर्व भी होगा। गुरुदेव जब कभी भी किसी आर्थिक स्थिति से संपन्न लेकिन वृद्ध आदमी को देखते थे, जब गुरुदेव के कमरे में कोई ऐसे वृद्ध आते थे जो अच्छे संपन्न भी रहते थे और उम्र के अंतिम अंतिम पायदानों को छू रहे होते थे, गुरुदेव एक ही बात हमेशा कहते थे कि स्वयं का जीर्णोद्धार करना भी एक जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब कभी भी मैं कमरे में गुरुदेव के रह करके ये शब्द सुनता, भैया अपना जीर्णोद्धार कर लो, जीर्णोद्धार करना अपना भी स्वयं की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, हम सोचते कि गुरुदेव उनको कुछ अलग चीज के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। सुबह सुबह गर्मी के दिनों पे नेमावर में पेड़ के नीचे बैठ करके गुरुदेव जब शौच इत्यादि से निवृत्त हो गए तो कुछ समय वैयावृत्ति का लाभ देते थे गुरुदेव। बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती थी कि थोड़ा देर सेवा कर लें। फिर गुरुदेव जब लाभ देते थे, उसी लाभ लेते वक्त गुरुदेव से पूछा कि गुरुवर आप कहते हैं स्वयं का जीर्णोद्धार करना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये स्वयं का जीर्णोद्धार क्या है? तब गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, थक गए थे, थके थके एक कल्पना करिए, बड़ा सा पेट हो, छाती झुकी हो, आराम से बैठे हो, पैर थोड़े से लंबे हो, दो साधु भैया बत्ती पैर की कर रहे हो और उसमें भी धीरे से सिर हिलाते हुए बोलते हैं, सुनो ऐसा स्वयं का जीर्णोद्धार क्या प्रक्रिया है? बोले संसार में जितने भी लोग हैं, कितने भी अच्छे क्यों ना दिखते हो, काले घने लंबे चौड़े बाल हों, अच्छे गाल हों, अच्छी लंबाई हो, अच्छी चौड़ाई हो, अच्छी ऊंचाई हो, उसके बाद भी जीवन का जीर्णोद्धार जरूरी है। जीवन का जीर्णोद्धार क्या है महाराज? आचार्य भगवंत तत्वार सूत्र का वो सूत्र कहते हैं, देखो कर्म की प्रकृतियों में गुरुदेव ने उदाहरण दिया। अपन जब कुंडलपुर जा रहे थे ना, कुंडलपुर जाते वक्त रास्ते में एक मुनि महाराज मिले। कैसे मुनि महाराज मिले? वे मुनि महाराज बहुत लंबे चौड़े गोल मटोल और साथ ही साथ उनकी एक आँख नहीं, कांच की एक आँख थी। पहली बार देखा मैंने वृद्धावस्था में। रास्ते में टकरा गए, आचार्य महाराज को नमोस्तु किया तो देख करके लगा कि अभी तक तो देखा नहीं था कि कोई मुनि महाराज हो और उनकी एक आँख ना हो। लेकिन उन मुनि महाराज की एक आँख नहीं थी, कांच की आँख थी और टेढ़े मेढ़े टमकटू होके चल रहे थे, काला शरीर था, पेट बहुत बड़ा था। आचार्य महाराज कहते हैं, सोचो ये मुनि महाराज हैं, इनकी आँख नहीं है, काला शरीर है, पेट बड़ा है, चलने में तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर इनको केवल ज्ञान हो जाए तो कैसा लगेगा। सुन करके गुरुदेव का शब्द दंग, आचार्य भगवंत क्या बात कह रहे हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में कितना भी तेज पुण्य क्यों ना हो,
कितना भी तेज तुम्हारा पुण्य क्यों ना हो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी का मिलता है, उसके बाद भी तुम्हारे जीवन में जीर्णोद्धार की जरूरत है। क्या जीर्णोद्धार है, देखिएगा आप, दर्शन करिए शब्दों में गुरुदेव के। मान लीजिए बहुत स्वस्थ शरीर है, अच्छे गोरे दिखते हैं, अच्छा पैसा है, इंद्रियां बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं, जैसा चाहिए वैसा वक्त पे मिलता है, उसके बाद भी दुस्वर नाम कर्म का उदय है। दुस्वर नाम कर्म का उदय कैसा है कि अच्छे संपन्न होने के बावजूद तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनना चाहता, कई बार अच्छे साफ सुथरे चेहरे को कोई देखना नहीं चाहता, दुर्भग नाम कर्म का उदय है। किसी का न्योग्रोध परिमंडल संस्थान है, नीचे से कमर का भाग चौड़ा है, ऊपर से ऐसा होते होते वृक्ष के जैसा बिल्कुल दुबला पतला हो गया, खूब पैसा वाले लेकिन कोई ढूकत नहीं है, ये क्या है? कर्म की ऐसी बहुत सारी प्रकृतियां हैं, कर्म की ऐसी बहुत सारी प्रकृतियां हैं जिसमें गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान अच्छे अच्छे साधन संपन्न हैं, एक सीढ़ी नीचे उतरे और पैर की हड्डी सटक गई, अब सुधरबावे में 6 महीना, कोई दिक्कत नहीं थी, पता चला बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी घुर रही है, अब उसका एक इलाज कराओ, हो तो पुण्यशाली, खूब पुण्य है महाराज, घर में अकूत संपदा है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं अपने तीव्रतम पुण्य के बीच में अपने जीवन की पाप प्रकृतियां और पुण्य प्रकृतियां दोनों देखो। पुण्य प्रकृति है देवशास्त्र गुरु मिले, पाप की प्रकृति है उसके बाद भी मंदिर आने का मन ना हुआ, मंदिर आने का मन हुआ लेकिन मंदिर सुबह सुबह जल्दी चले आते हैं, क्यों? शीला काकी इतनी करिया है, बिल्कुल काला चेहरा और हाथ में सोने के मोटे मोटे 4 तोला के कंगन, और उमे भी मुंह में चेचक के दाग, अब दाग के बाद शरीर और बर्बाद कब हो गया, जब काले शरीर में बाल बिल्कुल सफेद हो गए, अब कैसी कंट्रोवर्सी है, ब्लैक एंड वाइट जीवन। उसके बाद भी ताकी काकी लोग कहते हैं, काय कहते हैं, पैसा खूब है, तो पुण्य के उदय से धन तो है लेकिन अपना ही चेहरा देख करके अपने आप को जो संतोष नहीं मिलता, वो संतोष कहाँ से लाओगे, अपनी प्रकृतियाँ कैसे बदलोगे, फाउंडेशन लगा करके उस पर 9 to 5 लगा करके, फिर लैक्मे का मस्कारा लगा करके, उसके बाद एक कोडिंग और करके, फिर उस पर ब्राइडल करा करके, उस पर वाटरप्रूफ लेमन करके, कुछ भी कर लो तुम, कुछ भी, उसके बाद भी जब नहा धो करके सबसे पहले चेहरे को आईने के सामने देखते हो तो अपने चेहरे को देख करके प्रसन्नता होती है कि खेद होता है, एक बार सही बताओ। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसी कितनी कर्म की पाप प्रकृतियां हैं जो तुम्हारे पुण्यमयी जीवन में साथ में चल रही हैं। पूरा का पूरा सूत्र देखना, अस्थिबंधन के नाम पर लड़का लड़का से टकराया, हड्डी से हड्डी टकराई और एक हड्डी टूट गई, महाराज आशीर्वाद दो ना, हमारे लड़के की हर 8वें दिन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है, घर के अंदर मानसिक क्लेश मचा रहता है, उसके बाद मान लो सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी अपने आप से अपन संतुष्ट नहीं है, अपनो चेहरा आईना में देखो तो इधर से लेकर के इधर तक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इतने दिल हैं मुंह में कि अब क्या करें महाराज जी, बताओ आप, बताओ आप, सबके सामने बोला तो हमें अच्छो नहीं लगे, हम सबके सामने किसी की बुराई थोड़ी कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि आपके पुण्यमय जीवन में वो जो पाप प्रकृतियाँ साथ में चल रही हैं, उन पाप प्रकृतियों का पंचम काल में देव मनुष्य पर्याय में आकर के मंदिरों में देवशास्त्र गुरु की सन्नधि में उसका जीर्णोद्धार करो, सुधारो, अगली पर्याय में इससे अच्छी देह मिले, देह परस्ते हो या पावन, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद कई बार, अभी पिछले साल एक डिवोर्स फाइल हुआ था कोर्ट में, पति पत्नी के बीच में अच्छे संवाद, अच्छा जीवन, सब कुछ अच्छा, पति से पूछा क्यों छोड़ते हो इसको,
क्यों साथ में नहीं रखते, इतनी सुशील है, सभ्य शांत है। बोले महाराज शरीर से अत्यधिक दुर्गंध आती है, सिर्फ बैड स्मेल के चक्कर में पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो गया। जब आप तत्वास सूत्र का वो सूत्र पढ़िएगा, गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुप घात पर घात तपो द्योतोच्छ्वास विहायो गतः विहायो गतः। चलता है आदमी हाथी की चाल से, लेकिन सबको चलने का मौका नहीं मिलता, किसी की अप्रशस्त विहायो गति है। एक पैर इधर रखता है, एक पैर इधर रखता है, जब इधर रखता है तो छाती इधर जाती है, जब इधर का रखता है तो छाती इधर जाती है। उसको चलता देख करके लोग कमेंट करते हैं, भले आप आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं, लेकिन जो शरीर मिला है और शरीर के आश्रित होने वाली वे जो पाप प्रकृतियां हैं, उन सारी की सारी पाप प्रकृतियों को बदलने के लिए, उन सारी अप्रशस्त प्रकृतियों को पुण्य प्रकृतियों में बदलने के लिए, ये जो महानतम आयोजन आपने पिछले 9-10 दिनों से लगातार किया, इसके आपको लगा कि महाराज सिर्फ दान 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 बोलते रहे, लेकिन वो दान दे करके तुमने अपनी सारे पाप प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति को छीण किया। कैसे छीण किया महाराज? साता बेदनी जब भी बंधती है, साता बेदनी बंध को बांधने के प्रत्यय कारण कुछ अलग होते हैं। क्या कारण होते हैं महाराज? वो कारण है भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयमाद योग शांति सौक्ष्मिति सदवेदस्य। जब भी साता वेदनी जीवन में बनेगी, तुम बोलो और तुम्हारी आवाज सबको भा जाए। अभी तो पति पत्नी को एक दूसरे की आवाज नहीं भाती, परिवार में नहीं भाती। कुछ गायक ऐसे होते हैं कि एक बार मुंह से ओम का उच्चारण भी करें तो ब्रह्मांड में फैल जाता है उनके सस्वर, ऐसा गजब का कंठ, ऐसा गजब का चेहरा, ऐसी गजब की वाणी, ऐसा गजब का तेज, ओज विद्या यश वृद्धि विजय विभव, ये सब अद्भुत 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 कहाँ से मिलती महाराज? आप कहाँ से लेकर के आए? हमको तो हमारे गुरु का प्रसाद है, उन्होंने हमारी सारी पाप प्रकृतियाँ दीक्षा लेते बात साथ ही पुण्य प्रकृतियों में बदल दी। किसी कारण से पैर थोड़ा टेढ़ा पड़ता मेरा, इधर से ऐसा ना जा सीधा ना रख करके ऐसा रखता हूँ, वो भी दोष मेरा दीक्षा लेने के साथ लुप्त हो गया। गुरु की ऐसी कृपा पड़ी कि सारी पाप प्रकृतियाँ पुण्य प्रकृतियों में बदल गईं। लेकिन वो जो गृहस्थ होता है ना, वो गृहस्थ अपनी पाप प्रकृतियों को पुण्य प्रकृतियों में कैसे बदलता है? वो जादू सीखो जैन शासन का, कि जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, अपने चेहरे से नफरत होती है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स खुद हो जाता है, रिजेक्शन पीरियड में जब चले जाते हैं, जब दूसरे हमको अपमानित करते हैं, उस वक्त अपने अंदर हिंसा खुद के करने के भाव होते हैं, किसी का हाइट छोटी है, किसी का शरीर दुबला है, कोई अगरबत्ती कोई मोमबत्ती कोई कद्दू कोई कुमड़ा कोई लौकी, पता नहीं कैसा कैसा जीवन जीते तुम लोग महाराज, फिर वो प्रॉपर फ्रेम में कैसे आना है, वही तो बता रहा हूँ। प्रॉपर फ्रेम में आने के लिए भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयमाद योग है शांति सौक्ष्मिति सदवेद्यस्य, ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है बंधुओं कि प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करो, दान करो, शांति का भाव रखो, अनुकंपा दान त्यागी वृत्तियों के ऊपर भी करो, महाव्रतियों के ऊपर भी अनुकंपा करो। भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयमाद योग शांति सौक्ष्मिति सदवेद्यस्य। वो दान जो होता है, आपने एक 81 की एक बेदी 5 साल में 100 रुपये प्रतिदिन के संकल्प के साथ दान दे दी, निर्मित करने का पाप प्रकृतियों को क्षय करने का एक सौभाग्य प्राप्त किया, वो पैसा उठ करके किसी गरीब के घर तक पहुंचेगा, किसी की महिला को साड़ी मिलेगी, किसी के बच्चे को एजुकेशन मिलेगी, किसी की छत लगेगी। जैसे ही तुम्हारे पैसे से मंदिर के निमित्त से 200-500-700 परिवारों का भला हुआ, गरीब की दुआएं आदमी को बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक ले जाती हैं, बहुत जल्दी खूब ऊंचाई तक ले जाती हैं। वे जो मजदूर 800-900 मजदूर आपके लिए यहाँ पर मकराना पे जयपुर में और पता नहीं कहाँ कहाँ विदिशा में काम कर रहे हैं,
उन सारे के सारे परिवारों को चलाने का श्रेय आप सबको जाता है। भूत वृत्तुनकंपा दान, भूत दान, प्राणियों के ऊपर जो है आपने ये जो दान देकर के अनुकंपा करी, इससे तुम्हारी जितनी भी अप्रशस्त और पाप प्रकृतियां थी, इन पाप प्रकृतियों की शक्तियां क्षीण हो गई, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ने लगा। आज हम पिछले कर्मोदय में किसी अप्रशस्त प्रकृतियों को लेकर के जीवन जी रहे हो, लेकिन निश्चित है अगली पर्याय में जब भी आपका ये दान सर चढ़ के बोलेगा, तुम्हारे जीवन में एक भी अप्रशस्त प्रकृतियां नहीं रहेंगी। सम चतुरस संस्थान चम चमाता चेहरा, वाणी में ओस तेज विद्या, तीर्थंकरों के कुल में जन्म लेना, मोक्ष के मार्ग में पुरुषार्थ करना, गृहस्थ पुरुषार्थ भी अद्वितीय करना। अभी तो गृहस्थी के पुरुषार्थ के लिए गृहस्थी बसाते हैं, संतान का लाभ ही नहीं मिलता, लेकिन उस वक्त सब मिलता है बंधुओं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान के निमित्त से जो आप सोशल वेलफेयर करते हैं, जिसके माध्यम से गरीब परिवारों की रोटी रोजी, बच्चों का पढ़ना शिक्षा लेना, क्या पता तुम्हारे इसी 100 रुपए से किसी मिस्त्री का लड़का आईएएस ऑफिसर बन जाए। 100 रुपए का दान कितना कमाल करता है, किसी का परिवार चलाता है, किसी के बच्चे को पढ़ाता है, किसी की पत्नी का तन ढकता है, तुम्हारी पाप प्रकृतियों में परिवर्तन लाता है, प्रशस्त का अनुभाग बढ़ाता है, धर्म की प्रभावना करता है, अहिंसा सत्य अचौर ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहवाद के सिद्धांतों को दूर दूर तक पहुंचाता है, ये जीर्णोद्धार नहीं है अपने जीवन का तो क्या है। बस इसी अपने जीवन का दान दे करके अपने जीवन का जीर्णोद्धार करो, अपनी शक्ति के अनुसार करो। परिवार में रह करके जितना क्लेश मिलता है, अपना आईना देख करके जितना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में आप जाते हैं, उन सारे के सारे इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को फिनिश करने के लिए दान गृहस्थों के जीवन का एक अमोघ अस्त्र है। जो लोग पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, जो मुझे लाइव देखता है या ऑफलाइन में यूट्यूब से देखता है, वो मेरे परिवार का हिस्सा है और परिवार को संभालना मेरी अपनी जवाबदारियाँ हैं। आप सबकी भी अपनी एक जवाबदारी है, आपको लगे कि आप भी 100 रुपए की जवाबदारी से के साथ अपने परिवार का यहाँ पर समर्पण दिखा सकते हैं। चांदी के एक सिक्के के साथ, प्रशस्ति पद के साथ जब हम हबीबगंज में सम्मान समारोह करेंगे, आपको आपके परिवार के दान की बहुत खुशी होगी बंधुओं, मैं निश्चित मानता हूँ। आइएगा, अपना सभा गर्जित करिएगा, शब्दों को विराम देता हूँ क्योंकि आपका एक छोटा सा हवन अभी और बचा हुआ है। बहुत सारे परिवारों ने लाभ ले लिया है, लेकिन जो चूक गए हैं वो इस यज्ञ के अंतिम दिवस में अपनी संविदा समर्पित करें, गुरुदेव के प्रति अपना श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। ऐसी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।